बेसिकली तो मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले ये काम करते हैं, लेकिन मुल्तान से बिलोंग करती हूँ मैं, तो उधर ही स्टार्ट किया था। फ्लेवर्स इनके काफ़ी ज़बरदस्त हैं, कीमा करेला खाया हुआ है या मैंने गोश्त करेला खाया हुआ है, चिकन करेला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे ओपन नहीं करने दिया जा रहा था सिस्टम, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल है वहाँ का, तो फिर मैंने सोचा कि इस्लामाबाद मूव किया जाए, लेकिन वहाँ पे भी डाउनफॉल हो गया कि वहाँ पे मार्केट में लोगों ने उनके, चूँकि वहाँ और भी होटल्स थे तो ये चीज़ें आना शुरू हो गई कि मुझे बंद करना पड़ा वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैम आलम और मैं एक फूड व्लॉगर हूँ। क्या आप अपना कॉन्टेंट क्रिएटर होने से किसी की मदद कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी खातून की तरफ जो अपने घर में बैठे हलाल रिज़्क कमा रही है। आइए चलते हैं आपा जमरुद की तरफ और उनकी कहानी उनकी जबानी सुनते हैं। सो आज हम आए हैं आपा के मेहमान बनकर, आपा से कुछ बातें करेंगे और फिर इनके हाथ का बना हुआ खाना चख के आप लोगों को बताएंगे कि आपा के हाथ के बना हुआ खाना कैसा है। आपा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जी मैं लाहौर आया था और आपके बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि एक रिज़्क़ हलाल के नाम से आप अपना एक काम चला रही है जिसमें आप खाना बनाकर डिलीवर कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रिज़्क़ हलाल इतना ज़बरदस्त नाम आपने रखा है, ये आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि मेरा ये था मकसद मेन कि घर में रह के हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाया जाए, तो इसलिए इसका नाम हमने रिज़्क़ हलाल रखा। तकरीबन कितना टाइम हो गया कि आप ये काम कर रही हैं? जी बेसिकली तो मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले ये काम करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने घर से ही स्टार्ट किया था, मुल्तान से बिलोंग करती हूँ मैं, तो उधर ही स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पे मुझे ओपन नहीं करने दिया जा रहा था सिस्टम, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल है वहाँ का, तो फिर मैंने सोचा कि इस्लामाबाद मूव किया जाए, वहाँ पे थोड़ी ये हेजिटेशन नहीं थी मुझे, तो वहाँ पे मैंने कमर्शियल वर्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन वहाँ पे भी डाउनफॉल हो गया कि वहाँ पे मार्केट में लोगों ने उनके, चूँकि वहाँ और भी होटल्स थे तो ये चीज़ें आना शुरू हो गई कि मुझे बंद करना पड़ा वहाँ पर। नहीं, कैसी मुश्किलात आपको दरपेश आई इस्लामाबाद जैसे शहर में कि आपको वहाँ बंद करना पड़ा? क्योंकि टाउन की मार्केट थी और भी होटल्स थे वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि घर का खाना था, साफ़ सुथरा खाना था, तो लोग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, मेरी सेल्स बहुत अच्छी थी, तो इन चीज़ों को उन्होंने बुनियाद कुछ भी बनाई हो तो उन्होंने स्पेशली लोगों को फिर मना करना शुरू कर दिया कि आप इनसे खाना मत लें, क्योंकि मकामी लोग हैं, आपस में उनके ताल्लुकात होते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को ही ज़्यादा देखते थे। तो जब ये बात मुझे मैंने सुनी कि ऐसा है, तो फिर उसके बाद मैंने अपना फेडअप होके सारा सेटअप बंद कर दिया। लाहौर आपने कैसे चुना, मतलब लाहौर आप कैसे आई और यहाँ पर आपको आइडिया कैसा है कि इस्लामाबाद नहीं तो लाहौर में मेरा बिज़नेस चल पाएगा? ये आप जैसे कुछ भाइयों ने, अच्छे भाइयों ने मुझे मुखलिसाना मशवरा दिया कि आप लाहौर शिफ्ट हो जाएँ, वहाँ पर आपको ऐसी मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि फूड स्ट्रीट्स बहुत हैं यहाँ पर और लोग बहुत अच्छे हैं, मुखलिस हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे और मार्केट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा आपको जो है सपोर्ट मिलेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें अब लाहौर ही सही। ज़बरदस्त, आपा की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लाहौर में मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर जिस स्टॉल पे भी मैं जाऊँ, जिस ढाबे पे भी मैं जाऊँ, उनका काम चल रहा है, ठीक है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है कि अगर किसी बंदे का काम अच्छा चल रहा हो तो दूसरा बंदा उसके पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो आपा जी हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका काम और से और बढ़े। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये हमें बताएं कि हर दिन एक ही चीज़ बनती है? नहीं, डेली हमारा मेन्यू चेंज होता है। कस्टमर्स में कौन ज़्यादा है, ऑफिस वाले हैं, घर वाले हैं या कौन है? सभी लोग हैं, फैमिलीज़ को भी बहुत पसंद आ रहा है, ऑफिस वालों को, शॉपकीपर्स जो हैं वो सब बहुत पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह, फिर फीडबैक भी बहुत अच्छा देते हैं, तो इंस्पिरेशन बहुत हो जाती है, फिर इससे मैं और अच्छा काम करने का सोचती हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस आया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये काफ़ी खुशी की बात है कि लोग आपके खाने को पसंद करें। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया हो और आपको वो पूरा करने में मुश्किल दरपेश आई हो? नहीं, अभी लाहौर में तो नहीं मिला, इस्लामाबाद में तो मिलते थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है, तो वहाँ पे तो मिलते थे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हेजिटेट नहीं होती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ एज अ चैलेंज ही कह लें, तो इवन के मैंने 20 किलो की देख भी बनाई है माशाल्लाह अकेले एक सिंपल से एक किचन में रहते हुए, तो और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटीज संभालते हैं, एक बेटी ऑर्डर लेती है, बुक करती है व्हाट्सएप पे, मैं साथ साथ जो है पैकिंग करती जाती हूँ, बेटा डिलीवर करके आता है नीचे तक, और दूसरी बेटी पैकिंग, उसको पता होता है कि पैक कैसे करना है, वो सामान साथ साथ ऑर्डर्स के देती रहती है,
तो ये सारा सिस्टम मेरा सारा दिन चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। स्पेशलिटी आपकी क्या है? स्पेशलिटी तो देसी में ही ज्यादा होती है हर बंदे की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज में भी है, थाई में भी है, कुजीन में। इसके अलावा बेकरी है हमारी, अपने बेकरी आइटम्स होते हैं डेली के। ज़्यादातर जो हमारे डेली रूटीन में स्पेशल डिशेस चलती हैं वो हमारे करेले गोश्त है और दाल गोश्त है, भिंडी गोश्त है, दाल माश है, हमारी दाल मखनी है, दलीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई है सबको। तो फिलहाल लाहौर में तो ये स्पेशल जा रहे हैं। माशाल्लाह भाई फ्लेवर्स इनके काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब घर में बना है तो ऑब्वियसली घर जैसा ही टेस्ट ही आ रहा है। अपा जी ने बनाए हुए है चिकन कीमा, चिकन करेला। अच्छा चिकन करेला मैंने आज तक नहीं खाया, चिकन करेला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। मैंने कीमा करेला खाया हुआ है, चिकन करेला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मज़ेदार तरीके से इसको काटा गए है। ये गया हमारा नवाला, बिस्मिल्लाह। क्या बात है भाई माशाल्लाह। और साथ में अपा जी ने हमारे लिए बनाया है चिकन कीमा, माशाल्लाह कलर इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल लाइट सा कलर है इसका। अक्सर जगहों पर कीमे मैंने खाए हुए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा फ्राई कर दिया जाता है जिसका कलर विविड रेड हो जाता है। हमारा नवारा इनके कीमे से, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह हमने अपा जी के हाथ के बना हुआ खाना खाया, माशाल्लाह हर एक चीज़ का फ्लेवर्स, हर एक चीज़ का टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। लिटरली मतलब मुझे ऑब्वियसली घर में बनाए तो घर वाला फ्लेवर है, ठीक है। मैं लाहौर आया हुआ हूँ, कई दिनों से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, आज मुझे घर का खाना रिसीव हुआ है एंड लिटरली इट्स रियली अमेजिंग। ऑयल को बिल्कुल तरीके से इस्तेमाल किया गया है, मतलब यहाँ पर मुझे जितने भी खाने मिल रहे हैं बाहर बाज़ारों में एक्सट्रीम ज़्यादा ऑयल उसमें डाला हुआ है। यहाँ पर जो ऑयल है काफ़ी तरीके से, काफ़ी कंट्रोल, मतलब बिल्कुल लिमिटेड ऑयल डाला हुआ है और बिल्कुल तरीके से हर एक चीज़ पकी हुई है। लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा आपा जी, कि घरेलू ख्वातीन के लिए कोई मैसेज, वो ख्वातीन जो हलाल रिज़्क कमाना चाहती है। सबसे पहले तो अल्लाह पे ट्रस्ट करें, अल्लाह पे यकीन करें, हो जाता है। बेशक मैं मानती हूँ इंसान डरता है, मैं भी डरती हूँ बहुत ज़्यादा। बस ये देख लेंगे मैं तीसरी दफ़ा गिर के उठी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे जो समझ में आया वो यही है कि सबसे पहले अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह ताला कर देता है, रिस्क तो आना ही है, इसकी क्या टेंशन लेनी। वो कोशिश तो यही है कि घर बैठे ही करें, आप लोग बाहर निकलने में कोई हर्ज नहीं है, आप अपना शरीर पर्दा करते हुए कर सकते हैं। मैंने भी काम किया है इस्लामाबाद में 2 साल, मैंने भी कमर्शियल वर्क किया है, इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही होना चाहिए कि आप घर से ही स्टार्ट करें, अल्लाह ताला देता है, और ये तो मैंने देख लिया है कि वाकई अल्लाह देता है, इस चीज़ की टेंशन मत ले। माशाल्लाह आपा जी, आपा जी के ईमान को देख कर, आपा जी के अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट को देख कर काफ़ी दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह करे कि इनका बिज़नेस और बढ़े और लाहौर में इनका एक नाम बने। इन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त रखा हुआ है जो है रिज़्क हलाल। सो इसी के साथ साथ हम आपा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें मेहमान बनाकर हमें बुलाया। आपा जी से इजाज़त चाहेंगे, आपा जी इजाज़त है। बहुत शुक्रिया जी आपके तशरीफ़ लाने का, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।